अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये रिंगिंग वाला डिज़ाइन लाई हूँ, जो ये भी बनाने में बहुत आसान है और ये दो फंदा में ये डिज़ाइन बनता है। और देखिए किस तरह से बनाया गया है। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं, इसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये डिज़ाइन तिरछे तिरछे जाता है, और जो इस बार इस फंदे पे बनाइएगा तो उस अगले सिलाई में इस पे नहीं बनेगा, उसके अलग हट के बनेगा। तो ये कैप में, फ्रॉक में, जैकेट में, कहीं भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये दो फंदा का डिज़ाइन है। तो देखिए हम इसे किस तरह से बनाते हैं। ये फंदा हम पहले फंदा उतार लेंगे और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे, फंदा पीछे करेंगे धागा, और इसको हम ऐसे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और इस बार इस तरह से हम लपेटेंगे, ये देखिए खुल जाता है। फिर से हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसे इस तरह से लेंगे। तो देखिए इसे हम किस तरह से, ये निकल गया, थोड़ा मुश्किल पड़ता है निकालना, तो इसे हम इस तरह से खींचेंगे पहले इस तरह से। उसके बाद ये सूता पकड़कर, देखिए ये वाला सूता पकड़कर ऐसे कर देंगे, और फिर इसे हम इस तरह से बुन लेंगे, ये देखिए। फिर धागा आगे करेंगे, और ये पहले हम ये फंदा बनाए, ये डिज़ाइन बनाए हैं, तो इस पर हमको नहीं बनाना है, ये फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे दो फंदा। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और उसी तरह से हमें 10 बार लपेटना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और ये देखिए इसमें इस तरह से, इस तरह से ये करेंगे, फिर इसे इस तरह से खींचेंगे। आस्ते से कीजिएगा। तो देखिए हम इसे इस तरह से बुन लेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे और एक और ये दो फंदा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, और इसे फिर उसी तरह से 10 बार लपेटेंगे, 8, 9, 10 और ये इस तरह से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए, और इसे इस तरह से मास्ते से करेंगे, और फिर इसे हम टांग देंगे, और फिर ये रिंगिंग वाला डिज़ाइन। फिर हम धागा आगे करेंगे और ये दो फंदा बुनेंगे, धागा पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और ये 1। अब इस तरह से, और फिर इसे हम इस तरह से बोलेंगे।
फिर दो इस तरह से फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर धागा पीछे करके इस पर भी हम उसी तरह से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और इसे इस तरह से उतार देंगे। फिर इसे हम इस तरह से देखिए रिंगिंग वाला डिजाइन इसी तरह से बनेगा। और सीधे की तरफ से देख लीजिए, सीधे की तरफ से फिर सिर्फ हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, और ये फ्रॉक में जैकेट में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेडीज जैकेट भी नहीं है या कैप भी नहीं है, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए, ये मेरा डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा और हर सलाई में बनेगा। अगर आपका ऊल मोटा है तो इसे दो सलाई बाद बनाइए, पर इसी तरह से बनाइए। एक बार फंदा छोड़ने के बाद फिर दूसरे फंदा पर बनाइएगा।